अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। और बताओ यार, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है। तो चलें आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिन भर की डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो के उठी थी और उठते के साथ ज़रा साहब की फरमाइश थी, मामा फ्राइज़ बना दें। बच्चों की फरमाइशें माँ बाप के तो सराखों पर होती है, और ये चीज़ आप तभी फील कर सकते हो जब आप की शादी हो जाती है और आपके बच्चे हो जाते हैं। मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि यार माँ बाप की मोहब्बत इतनी बेलौस होती है अपनी औलाद के साथ कि अगर उनका बस चले ना तो वो जन्नत से जाके मनोसलवा का खाना अपनी औलाद के लिए लेकर आएँ। ज़रार के लिए फ़्राइज़ बनाएँ और साथ साथ अपने लिए मैंने नाश्ता रेडी करी थी। आज कुछ जो है मेरे पास टाइम था, थोड़ा टाइम से पहले मैं उठ गई थी। मैंने अमूमन डेली बेस पर मैं अपना नाश्ता स्किप करके चली जाती हूँ, लेकिन अब से मैंने प्लान किया कि मैं नाश्ता करके जाया करूँगी। उसका मुझे फ़ायदा ही होता है कि घर से नाश्ता करके जाऊँ तो ऑफिस जाके मैं बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की फजूल चीज़ें नहीं खाती। मना जाते के साथ इतनी भूख लगी होती है ना, उस टाइम तो मैं कहती हूँ यार कुछ भी सामने आ जाए। तो हमने अपने लिए यहाँ पे स्लाइस रखे थे, और ज़रार साहब का जो मूड है ना वो पूरा डामाडोल हो गया। मुझे कहता है फ़्राइज़ की जगह मुझे टोस्ट दे दें। मैंने कहा यार इतने ज़्यादा फ्राइज़ बनाए हैं और मैं तो उठते के साथ मेरा तो, और मुझे पर्सनली ना कुछ ज़्यादा घर के फ़्राइज़ वगैरह पसंद भी नहीं है। मैंने कहा फ़्राइज़ भी खा लो, साथ साथ जो है मैं आपको टोस्ट भी दे दूँगी। तो दो स्लाइस मैंने उसके लिए रखे थे, दो अपने लिए रखे। उसको मैंने खाली जैम लगा के दिया था क्योंकि वो बटर शौक से नहीं खाता। फिर मैंने अपने लिए भी बटर और जैम लगाया, ख़ुद भी सुकून से बैठ के नाश्ता किया, ज़रार को नाश्ता दिया। लेकिन ज़रार को पहले मैंने फ़्राइज़ खिलाए, उसके बाद मैंने शर्त रखी थी कि फिर मैं उसके बाद आपको स्लाइस दूँगी। उसके बाद जाके हम लोगों ने अपने लिए कपड़े कपड़े निकाले ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उठते के साथ सिर्फ मैं नाश्ता करती हूँ, ज़रार को रात का खाना खिलाती हूँ और ऑफिस की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ये वाला मेरा आउटफिट मैंने आज के लिए निकाला था, ये मेरा टू पीस था। शर्ट दुपट्टा मैंने बोनांजा से लिया था, आई थिंक ये 1600 का था या 1800 रुपये का था, सेल पे लिया था और आज से 2 साल पहले लिया था। इसके साथ का जो ये ट्राउज़र है ये आई थिंक सो ये भी पुराना है, 1.5-2 साल पहले, ये भी मैंने अलकरम या लाइमलाइट से लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ मेरा मेकअप जो है बड़ा ही सिंपल होता है, सिर्फ मैं ये क्रीम लगाती हूँ और ये मेरे ना डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स की क्रीम है। उसके बाद बीबी क्रीम लगाई और बीबी क्रीम भी मैंने बोनांजा से ली हुई है। उसके बाद मेरे यही 2-3 शेड्स हैं न्यूड कलर के, जो कि बड़े आपके ना बहुत नो मेकअप लुक देते हैं। मतलब मैं मेकअप तो करती भी नहीं हूँ, सिर्फ बीबी क्रीम लगाती हूँ और एक लिपस्टिक लगाती हूँ, आउटलाइन लगा लेती हूँ, उससे जो है लिपस्टिक सही से लग जाती है, फैलती नहीं है। आज आबिर मुझे ड्रॉप नहीं करने जा रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि आबिर की आज कॉन्फ्रेंस थी ऑफिस में। आबिर सुबह 8 बजे के गए हुए थे और अभी घर के अंदर 5:30-6 बजे के टाइम एंटर हुए हुए थे, मतलब आबिर की तो बस हुई हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। राइड बुक करवाई हुई थी मैंने, तो बैल्कनी में देखने गई थी राइड वाला आया या नहीं आया। उसके बाद यार हम लोग अपने निकल चुके थे ऑफिस के लिए, और आज मैं गई थी अपने पुराने ऑफिस अपने दोस्तों वगैरह से मिलने के लिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमने स्पेंड किया उनके साथ, और फिर हम लोग बाहर खाना शाना खाने गए। मतलब यार मैं अपना पुराना ऑफिस याद करती हूँ ना तो मेरी बहुत ज़्यादा यादें होती हैं, इतनी यादें हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैंने अपना करियर का स्टार्ट ना अपने उसी ऑफिस से लिया था, और मुझे बनाने में ना उस ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब अब तो मैं किसी भी जगह पर जाके काम करूँगी तो वो बनी बनाई जो है GHR को हायर करेंगे, लेकिन असल वो कंपनी होती है जो आपको बनाती है और आपको काम सिखाती है। अब मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि जब मैंने अपनी जॉब का करियर स्टार्ट किया था तो मुझे लैपटॉप तक ऑन करने नहीं आता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यार लैपटॉप शट डाउन कहाँ से होता है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं पता थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं इतना इमोशनल होती हूँ ना अपने उस ऑफिस को लेके। लेकिन यार लाइफ में आपको मूव ऑन करना पड़ता है, लाइफ में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और ज़िंदगी इसी का नाम है। यहाँ पर हम लोगों ने आके खाना शाना ऑर्डर किया था, और अगर जहाँ मैं भी जॉब कर रही हूँ मैं उनकी भी बात करूँ ना यार, वो लोग भी इतने अच्छे हैं ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है वहाँ के जो ऑनर है उनकी तारीफ में। मतलब कि यार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। खाना शाना खा के वापस ऑफिस चली गई, फिर सुबह मैं घर आई, और घर आते के साथ सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, ज़रार को नाश्ता देना और ख़ुद नाश्ता करना। आबिर को ज़रा जल्दी हो रही थी, तो आबिर की आज भी कॉन्फ्रेंस थी, तो ज़रार साहब आज भी स्कूल नहीं जा रहे थे। आबिर फटाफट जो है तैयार शर हुई और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहाँ से उन्होंने अपने कुछ कलीग्स के साथ कॉन्फ्रेंस में जाना था अटेंड करने के लिए, वहीं पर उनका नाश्ता वगैरह था, तो आबिर का नाश्ते का कोई सीन नहीं था। मैंने अपने लिए पराठा बनाया, ज़रार के लिए पराठा बनाया क्योंकि मैंने रात का खाना खाया हुआ था, मुझे भूख लगी थी। और आजकल जो है मैं सुबह ऑफिस से आके कुछ हेल्दी खा के सो जाती हूँ, क्योंकि फिर शाम में मरती हूँ। शाम में कभी नाश्ता करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, या फिर कभी ऑफिस जाके कुछ खाती हूँ। और अक्सर तो आजकल ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाके कुछ ही नहीं खाती, फिर नेक्स्ट डे घर आके खाना खाती हूँ। तो फिर मेरी सुबह कोशिश होती है कि मैं रोटी या पराठा खा लूँ। आज सालन में कुछ नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि पराठा बना लेती हूँ। वैसे मैं पराठे इतने नहीं खाती हूँ, उनको अवॉइड करती हूँ क्योंकि यार वही पेट
वेट वगैरह निकल जाता है, बंदा मोटापा वगैरह आ जाता है। लड़कियों के तो यह सेम ही मसले हैं। यहाँ पे एक पराठा जरार के लिए बनाया और दूसरा पराठा मेरा ख़राब हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गोल नहीं बनता तो हम चकोर बना लेते हैं। भाई अब मुँह में ही जाना है ना और ख़ुद नहीं खाना है तो क्या इतने इतमाम करने। उसके बाद फिर साथ साथ मैंने बनाई ऑमलेट। जरार मुझे यहाँ तंग कर रहा था कि यार सालन नहीं है, मैं तो ऑमलेट नहीं खा रहा। मतलब मेरा बेटा ना पूरा पंजाबी है, उसने जो है नाश्ते में पराठा और सालन ही खाना होता है, वो अंडा वगैरह लाइक नहीं करता। लेकिन मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज कंप्रोमाइज़ कर लो, सालन ख़त्म हो गया है। मैंने परसों बनाया था मंडे वाले दिन मटन का सालन, तो वो दो दिन चल गया और आज ख़त्म हो गया है। तो उसको मैंने मना लिया था थोड़ी सी, उसने मुझे नाक मुँह दिखाए, नखरे शखरे दिखाए। यार अब वो भी माँ को ही दिखाएगा ना, उसने भी किसको दिखाने हैं। खैर वो मान गया और फिर मैंने यहाँ पे अपना ऑमलेट बनाया। ऑमलेट की रेसिपी है बड़ी सिंपल सी है। अंडों के अंदर नमक डाल दो, काली मिर्ची डाल दो, हरी मिर्चें और प्याज डाल दो। अच्छा मेरे पास हरा धनिया भी नहीं था, चीज़ भी नहीं थी, क्योंकि मंथ एंड है यार, चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। अब हम मेरे ख्याल से इस वीकेंड पर जाएंगे ग्रॉसरी करने या नेक्स्ट वीकेंड पर जाएंगे। वैसे तो मेरे घर में सारी ग्रॉसरी पड़ी हुई है। एक मंथ हम राशन लेकर आते हैं, हमारी छोटी सी फैमिली है, 3-4 महीने चल जाते हैं। अभी मैं रमज़ानों से पहले दूध का कार्टन और कुकिंग ऑयल का पूरा जो कार्टन वगैरह लेकर आई थी, और वो अभी तक मेरा चल रहा है। मतलब यार बहुत कम चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हम लोग 3 ही बंदे हैं। मैं तो घर में खाना खाती ही नहीं हूँ, ज़्यादातर ऑफिस में खाती हूँ, और आबिर का भी सेम ही होता है, आबिर भी ऑफिस में दोस्तों वगैरह के साथ खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक हांडी वगैरह बना के रख देती हूँ कि ज़रार घर में होता है, या कभी मैं ऑफिस से आके मुझे भूख लग जाती है, या कभी आबिर दोस्तों में नहीं खाते हैं, घर में ही खाते हैं, तो फिर एक हांडी पक्की होनी चाहिए। यहाँ पे पराठे भी बन गए थे, यहाँ पे ऑमलेट निकाले, चाय को मैंने छाना, और फिर हमने अपने नाश्ते को एंजॉय वगैरह किया। और यार आप लोग बताओ, आप लोगों का लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? अगर आप लोगों ने अपनी जॉब स्विच की है तो मुझे बताओ यार, जॉब स्विच करके जो आप नई जगह पे जाते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको नई जगह पे अच्छे लोग मिल जाए ना तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। और इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो यार आज के अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे मिल लगते हैं। तो चलो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।